अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर जी के। तो फ्रेंड, आज की वीडियो मैरिट के बारे में हो। मैरिट में जो जो चेंजिंग हुई है और जिसके अलावा जो आपकी जो क्वेन है वो वॉलेट में कौन से जाएंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे आप जैसे थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकेंड नंबर पर मैरिट का आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो जस्ट यहाँ पर मैं मैरिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैरिट पे क्लिक करते हो यहाँ पे, और भी देख सकते हैं बहुत सारी इसमें चेंजिंग आई हैं जो मैं तमाम आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, और आपका जो बैलेंस है वो कब पाई वॉलेट में जाएगा और कौन सा जाएगा, तो इसके बारे में डिटेल होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले टाइम में इस तरह इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले फ्रेंड, यहाँ पे अगर ये आपको पट्टी दिखाई दे रही हो तो इसका जो येलो कलर है, येलो कलर, इसको पता है कि अनवेरीफाई आपके पास पाई कॉइन अवेलेबल है। और इसके अलावा दूसरा जो पाई कलर ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपका अपना बैलेंस है जो आपका वेरीफाई है केवीसी कुशुदा। तो यहाँ पे अनवेरीफाई जो येलो कलर थे, जस्ट यहाँ पे एरो पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन अगर मेरे पास इस वक्त 9000 कॉइन अवेलेबल है, उनमें से अनवेरीफाइड जो बैलेंस है वो करीबन 8000 है जो मेरे रेफरल वगैरह या बाकी लोगों से है। तो ये अनवेरीफाइड बैलेंस कब जाएगा, जब आपकी जो रेफरल टीम है वो केवाईसी करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने भी यही कहा है कि दी एस्टिमेट बोनस पाई विल माइन थैंक रेफरल टीम एंड सिक्योरिटी सर्कल। ये जो 8000 कॉइन है ये मेरे रेफरल की वजह से है और सिक्योरिटी सर्कल की वजह से है। दीज बोनस रिवार्ड विल बी एक्यूरेट कैलकुलेट एंड बिकम ट्रांसफर टू मेरिट। ये तभी आपका जो ये जो आपका रिवार्ड मिला है तभी आपका मेरिट में ट्रांसफ़र होगा जब आपके रेफरल टीम एंड सिक्योरिटी सर्कल मेंबर वेरीफाई दी आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आपके रेफरल और सिक्योरिटी सर्कल में जो आपके मेंबर हैं वो आपकी केवाईसी करेंगे, तो उसके बाद ये जो अमाउंट होती है जो कॉइन है ये आपके मेरिट में चले जाएंगे। तो ये बात है, यहाँ पे प्रीव्यू में भी आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पे पूरा एस्टिमेट यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आपकी जो रेफरल है वो चेक करेंगे तो यहाँ आपके पास बाकी ऑप्शन भी अवेलेबल होंगे। तो उसके बाद सेकेंड नंबर पे मैं बात करूँगा ट्रांसफरेबल बैलेंस टू मेरिट। तो ये वो बैलेंस है जो आपका डायरेक्टली मेरिट में जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमाउंट विल बी अवेलेबल ट्रांसफर टू मेरिट वॉलेट आफ्टर द कम्प्लीट योर आस्टर मेरिट। तो जैसी आपकी अपनी जो केवाईसी कंप्लीट होगी तो उसके बाद ये जो बैलेंस है डायरेक्टली आपके मेरिट में चला जाएगा आपके वॉलेट में। इफ़ यू हैव कम्प्लीट दी मेरिट चेकलिस्ट स्टेप, तो और मैं चेकलिस्ट में जो स्टेप है वो भी आपने एक्यूरेट करना है तमाम, वो जैसे एक्सेप्ट क्लियर होंगी तो उसके बाद आपकी ये जो बैलेंस है ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो उसके बाद थर्ड नंबर पे बात करें तो वॉलेट बैलेंस है, तो वॉलेट बैलेंस भी आपके लिए कर सकते हैं। तो ये तब ही होता है जब आपका ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है, तो लाजमन बात है ये वॉलेट बैलेंस में ही चले जाते हैं। और उसके बाद लॉकअप बैलेंस जो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉकअप बैलेंस जो आपने कन्फिगर किया होता, लॉकअप किए हैं जो कहें, ये मैंने फ्रेंड लॉकअप किए हैं 1 ईयर के लिए। तो यहाँ पर जो भी आपका बजट बनता है तो वो आपका डायरेक्टली फिर यहाँ पर इकट्ठा होता है और उसके बाद वो फिर बैलेंस मैनेज में जाता है। और उसके बाद मैंने चेकलिस्ट की मैं बात करूं तो ये आपने एक्यूरेट करनी होती है। यहाँ पे आप फ्रेंड देख सकते हैं कि ये 5 से 6 स्टेप हैं जो बहुत ही ज़रूरी होती है मेरिट के लिए। सबसे पहले डाउनलोड पाई ब्राउज़र है, तो ये आपकी अब करेक्ट है तो सही है। उसके बाद क्रिएट ए पाई वॉलेट, तो ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लूटेक चेक हुआ पड़ा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कन्फर्म जो है वॉलेट एड्रेस, ये भी कन्फर्म है। उसके बाद कम्प्लीट लॉकअप कॉन्फ़िगर, तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, और केवीसी मैंने अभी सबमिट की हुई है। जैसी वो वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी तो यहाँ पे जो ग्रीन सिग्नल आ जाएगा और उसके बाद ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएंगे। जब ये चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद ये तमाम जो बैलेंस है आपका मेरिट में चला जाएगा। और उसके बाद कॉन्फ़िगर लॉकअप की बात करेंगे तो वही बात है, रिपीट हो रही है। और उसके बाद थर्ड नंबर पर बात करें तो अनवेरीफाई प्रीव्यू बैलेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये मिनट का आपने विजिट करना है, जो जो आपका यहाँ पे बैलेंस शो हो रहा है तो उसको यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले टाइम में इस तरह इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।